हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है फाइलम नीमाटोडा। फाइलम नीमाटोडा जो है इसका ताल्लुक भी एस हेलमिंथीस के साथ ही है और उसका ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फाइलम है। इसको हम 3-4 लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। आज इसका बेसिक इब्तदाई लेक्चर है जिसमें हम इसके एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर जो है उन्हें स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसके जो लफ्ज़ी मतलब है नीमाटोडा का वो क्या है। तो अगर हम नीमाटोडा के लफ्ज़ी मतलब को देखें तो नीमेटो का मतलब होता है थ्रेड, क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो थ्रेड लाइक होती है, इसलिए इन्हें नीमाटोड्स कहा जाता है या इसे फाइलम नीमाटोडा बोला जाता है। अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करें तो इन्हें राउंड वर्म्स कहा जाता है। अब इनकी लोकेशन की बात हम करते हैं, अक्रंस की बात करते हैं, तो दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। कुछ जो हैं फ्री लिविंग हैं, कुछ जो हैं वो पैरासाइट हैं, कुछ मिट्टी में रहते हैं, कुछ फलों में रहते हैं, कुछ जो हैं वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, कुछ मैरीन वाटर में रहते हैं, यानी ये दुनिया की हर जगह पर मौजूद हो सकते हैं। एक गले सड़े एप्पल में या एक मिट्टी के अंदर भी इनकी बहुत सारा तादाद जो है वो मौजूद हो सकती है। अंदाजन इनकी 50,000 के करीब स्पीशीज़ जो हैं वो आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। इवन के कुछ जो हैं ये इंसान के जिस्म के अंदर भी रहते हैं, जो कि हम लेटर ऑन लाइफ साइकिल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके जो एक्सटर्नल और इंटरनल करेक्टर्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद इनकी कुछ मज़ीद खसूसियात जो हैं वो बारी बारी जो है वो हम स्टडी करेंगे। अगर हम राउंड वर्म्स जिन्हें फाइलम नीमाटोडा की एग्जांपल कहते हैं उनमें देखें तो इनमें जो मलप है जिसे एस्कैरस कहते हैं वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा थ्रेड वर्म्स जो हैं वो भी शामिल हैं, जिन्हें पिन वर्म्स भी कहा जाता है, और इसके अलावा हुक वर्म्स जो हैं वो भी बड़े ख़तरनाक होते हैं, वो भी इसी फाइलम से बिलोंग करते हैं। तो मैंने क्या किया है कि एक नीमाटोड, जनरल नीमाटोड जो है उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ कर दिया है ताकि हम उसको डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस कर लें। लेकिन इससे पहले कि हम उसके इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हम इस फाइलम के कुछ जनरल करैक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मेरे पास कुछ लिस्ट है करैक्टरिस्टिक्स की। तो सबसे पहली बात ये है कि फाइलम नीमाटोडा के जो एनिमल्स होते हैं दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो एज यू नो दैट कि ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है थ्री लेयर्स, बॉडी की तीन लेयर्स हैं, एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है और मीजोडर्म है। बाइलैटरल सिमेट्री, इनकी जो सिमेट्री है वो बाइलैटरल होती है, जिस तरह इंसानों की होती है। इनकी बॉडी क्योंकि इलोंगेटेड होती है, इसको सिर्फ एक ही प्लेन से दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, इसलिए इन्हें बाइलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल कहते हैं। उसके बाद इनकी जो बॉडी है वो वर्मी फॉर्म होती है। वर्मी फॉर्म का मतलब होता है वर्म लाइक, लंबी सुंडी लाइक, इसलिए इनकी बॉडी जो है वो आपको यहाँ पर भी आप देखेंगे तो लंबी नजर आएगी, वर्मी फॉर्म बॉडी है। इनकी बॉडी जो है वो अनसेगमेंटेड होती है, यानी उसमें सेगमेंट नहीं होते। इसके अलावा ये सूडो सिलोमेट्स होते हैं। इनके अंदर आपको पता है कि तीन तरह के एनिमल्स होते हैं, सिलोमेट्स जिनमें बॉडी कैविटी सिलोम मौजूद होती है, ए सिलोमेट जिनमें बॉडी कैविटी सिलोम मौजूद नहीं होती, और सूडो सिलोमेट जो कि इस फाइलम के साथ बिलोंग करते हैं, इनमें जो कैविटी है सिलोम है वो होती तो है लेकिन वो ट्रू नहीं होती, इसलिए ये एनिमल जो हैं ये सूडो सिलोमेट्स होते हैं। इनकी बॉडी क्योंकि कुछ एनिमल जो हैं ये पैरासाइट होते हैं और दूसरे जानदारों के डाइजेस्टिव सिस्टम में रहते हैं, तो उन डाइजेस्टिव सिस्टम में रहने वाले जो पैरासाइट हैं वो अपने होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम से महफूज रहने के लिए इनकी बॉडी के इर्द गिर्द क्यूटिकल होती है। वो भी हम डिस्कस करते हैं कि क्यूटिकल का रोल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, वो सारा डिस्कस करते हैं। तो इनकी बॉडी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं, बिल्कुल जैसे नेल होता है। इसके अलावा ये अपनी ज़िंदगी में मोल्टिंग करते हैं जुविनाइल स्टेज में, जब ये यंग होते हैं तो ये अपना प्रोटेक्टिव कवर उतार कर ग्रो करते हैं, फिर दोबारा बना लेते हैं, इसे मोल्टिंग कहते हैं या डाइसिस भी बोला जाता है। इनकी बॉडी के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है जिसकी वजह से इनकी बॉडी का एक स्केल्टन होता है जिसे हाइड्रोस्टैटिक स्केल्टन कहते हैं, जो कि इनकी निशानी है। इनमें कोई बोन्स वगैरह तो होती नहीं है, तो लिहाजा इनकी बॉडी की जो शेप है वो इनकी बॉडी में मौजूद जो लिक्विड है उसकी वजह से है, उसके प्रेशर की वजह से, इसलिए इनका जो स्केल्टन है वो हाइड्रोस्टैटिक होगा।
अंडुलेटिंग मूवमेंट करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, सर्कुलर मसल एब्सेंट होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए अब इसकी बॉडी के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो ये मैंने आपके सामने एक नेमाटोड वर्म जो है वो ड्रा कर लिया है। ये इसकी बॉडी की इंटीरियर साइड है, ये उसकी बॉडी की एक्सटीरियर साइड है। सबसे पहले हम इनकी बॉडी का जो प्रोटेक्टिव कवर है क्यूटिकल उसको डिस्कस कर लेते हैं, जिसकी अभी यहाँ पर बात भी हो रही थी। तो यहाँ से मैंने क्या किया है कि छोटा सा पीस जो है क्यूटिकल का उसको मैंने निकाल कर एनलार्ज कर लिया है। तो जब आप क्यूटिकल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसको अंदर हमें इसकी मल्टीपल लेयर्स जो हैं वो नज़र आती हैं। सबसे बाहर से शुरू करते हैं तो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होगी वो लिपिड लेयर है, जो कि यहाँ पर आपको रेड कलर में शो हो रही है। तो आउटर कवरिंग जो है वो लिपिड की बनी हुई है। उसके बाद फिर कॉर्टेक्स है। अब कॉर्टेक्स जो है ये लिपिड के अंदर की तरफ है। इसकी दो लेयर्स हैं, एक आउटर कॉर्टेक्स है और एक इनर कॉर्टेक्स है, जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। डबल लेयर जो है यहाँ पर मौजूद है। जब वहाँ पर कॉर्टेक्स ख़त्म हो जाता है वहाँ पर फिर आगे मैट्रिक्स है, जो कि बॉडी का क्यूटिकल का मेन कंपोनेंट है, जो कि इसके अंदर जो यहाँ पर आपको ग्रीन कलर में शो हो रहा है। उसके बाद फिर आगे नीचे ब्लू कलर में जो लेयर नज़र आ रही है ये उसकी बेसल लेयर है, जो कि नीचे सबसे एंड के ऊपर होती है। और उस बेसल लेयर के नीचे फिर एक लैमिना मेम्ब्रेन होती है जिसे बेसल लैमिना कहते हैं। तो ये एक नाखन की तरह, जिस तरह हमारी उंगली के ऊपर नाखन लगा हुआ है, इस तरह इनकी पूरी बॉडी के ऊपर एक बारीक सी पतली सी क्यूटिकल की लेयर लगी होती है जो इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। बाज़ दफ़ा क्यूटिकल जो है ये सिंपल होती है और बाज़ दफ़ा इसके ऊपर छोटे छोटे ब्रिसल, कांटे, उभार, बड्स या इस तरीके की कुछ चीज़ जो है वो बनी हुई हो सकती है। तो ये जो एनिमल जहन की पूरी बॉडी जो है ये क्यूटिकल से भरी होती है। उसके बाद इनका जो बॉडी का सिस्टम है वो ट्यूब विद इन ट्यूब है, यानी एक बाहर की तरफ, आगे फिर एपिडर्मस आ जाती है क्यूटिकल के अंदर जो कि इनकी स्किन है, और ये एक पूरी ट्यूब बन जाती है। उसके अंदर आपको रेड कलर की एक ट्यूब नज़र आ रही है, ये इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है। और इन दोनों के दरमियान में फिर सिलोम है, जिसे सूडो सिलोम कहा जाता है, जिसमें फ्लूड भरा होता है और जो कि इनकी बॉडी को हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है वो प्रोवाइड करता है। तो आइए इनके इंटरनल सिस्टम को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा बता देता हूँ। एंटीरियर सिरे पर लिप्स हैं। लिप्स जो हैं ये सेंसरी होते हैं और ये चीज़ों को टच करके महसूस करते हैं, क्योंकि इनकी आँखें तो नहीं हैं और ये ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पर अंधेरा होता है, और ये किसी भी केमिकल को महसूस करने के लिए, किसी भी सरफेस को महसूस करने के लिए अपने लिप्स का इन्हिसार करते हैं। और लिप्स को टच करके सर्दी को, गर्मी को, स्मूथ सरफेस को, हार्ड सरफेस को जो है वो मेजर कर सकते हैं। केमिकल को मेजर करने के लिए, केमिकल को डिटेक्ट करने के लिए इनकी बॉडी के इंटीरियर साइड पर एक सैक बनी होती है जिसे एम्फिड कहते हैं। जब कोई केमिकल इस एम्फिड में दाखिल होता है तो ये भी रिसेप्टर का काम करता है, और इस रिसेप्टर के ज़रिए ये किसी भी तरह के भी केमिकल को डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो कौन सा एनवायरनमेंट है, एसिडिक है, बेसिक है या कोई और एनवायरनमेंट है। उसके बाद फिर आगे ये इनका माउथ हो जाएगा। माउथ के बिल्कुल पीछे बकल कैविटी, जो कि मुँह का खला है, वो होता है। उसके बाद फिर आगे डक्ट शुरू हो जाती है, एक ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो जाता है, जिसका पहला हिस्सा जो है वो फेरिंग्स कहलाता है। जब ये खाना वगैरह खाते हैं तो माउथ के ज़रिए एंटर होने के बाद गज़ा जो है वो फेरिंग्स में चली जाती है, क्योंकि ये मोस्टली पैरासाइटिक ज़िंदगी गुजारते हैं, लिहाजा इनको पकी पकाई गज़ा जो है वो मिल जाती है, या इनका जो लाइफस्टाइल है वो इस तरीके का होता है कि ये मोस्टली डेड ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं। ये ओमनीवोर भी हो सकते हैं, हर्बीवोर भी होते हैं, कार्निवोर भी होते हैं, डेट्रिटिसवोर भी होते हैं, यानी बहुत सारी तरह के ये गज़ाएँ जो हैं वो इस्तेमाल कर लेते हैं। जहाँ पर फेरिंग्स ख़त्म होता है आगे फिर इनका मिड गट नहीं है, स्टमक नहीं है, आगे ये फोर गट ख़त्म हो जाती है तो आगे हाइंड गट शुरू हो जाती है, जिसे इंटेस्टाइन कहते हैं। इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट भी होती है, एब्जॉर्ब भी होती है, और आखिरी हिस्सा जो है फिर एनस है, क्लोएकल अपर्चर भी कहलाता है, जिसके ज़रिए अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटीरियल, फीकल मैटर जो है वो बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। तो इस तरीके से एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब सिंपल लेकिन थोड़ा सा एडवांस्ड डाइजेस्टिव सिस्टम इनकी बॉडी में पहली दफ़ा जो है वो देखने में आया है। उसके बाद हम इनके बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो एंटीरियर बॉडी सिरे पे अगर आप देखें तो फेरिंग्स के बिल्कुल पास यहाँ पर आपको एक रिंग नज़र आ रही है, ये इसकी नर्व रिंग है जो कि ब्रेन का काम करती है। गैंग्लियॉन पर मुश्तमल होती है।
गैंगलियान आपको पता है सेल बॉडी का कलेक्शन को कहते हैं। यहाँ से चार जो हैं वो नर्व्स निकलेंगी। एक जो नर्व होगी वो डॉर्सल होगी, यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर की शो की हुई है, ये डॉर्सल नर्व है, और एक नीचे की तरफ रन कर रही है ये वेंट्रल नर्व है। तो यूँ समझ लें कि ये अगर वर्म है तो एक नर्व जो है वो डॉर्सल साइड पे रन करेगी, एक जो है वो वेंट्रल साइड पे रन करेगी, जबकि दो नर्व जो हैं वो साइडों पर लैटरल नर्व जो हैं वो रन करेंगी, जो यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ सकती क्योंकि मेरी डायग्राम सिंगल डायमेंशनल है। 3D बनाता तो फिर उसमें आपको ये सारी चीज़ें दिखाई दे सकती थी। तो चार नर्व्स जो हैं इस रिंग से निकलती हैं जो पूरी बॉडी में फैल जाती हैं, और इनको आपस में भी कॉमिशर नर्व के जरिए कनेक्ट किया जाता है, और पूरी बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम है वो इसकी नर्व रिंग के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट हो जाता है। तो सिंपल सा नर्वस सिस्टम भी मौजूद है। इसके अलावा सेंस ऑर्गन मैंने आपको बताया है कि आगे लिप्स भी होते हैं, ब्रिसल भी होते हैं, एम्फिड भी हैं, फेजमेट भी हैं, जो इनकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ तरह के स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हम आते हैं इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ। एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए इनकी सूडोसिलोम के अंदर, जो कि इनकी बॉडी कैविटी है, वहाँ पर कुछ खास किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें रिनेटी कहते हैं। रिनेटी क्या करते हैं कि ये बॉडी के अंदर, सिलोम के अंदर मौजूद जो वेस्ट मटेरियल हैं, नाइट्रोजनस वेस्टेज हैं या अमोनिया है या इस तरीके के दूसरे केमिकल वेस्ट हैं, उनको अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बॉडी की एंटीरियर साइड पर ही एक सुराख होता है जिसे एक्सक्रीटरी पोर कहते हैं, वहाँ से वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर जो हैं वो रिमूव कर दिया जाते हैं। तो इस तरीके से इनके अंदर जो है वो नर्वस सिस्टम भी मौजूद है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी मौजूद है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी मौजूद है, जबकि सर्कुलेटरी सिस्टम और दीगर फंक्शन जो हैं वो अभी रिड्यूस हैं, वो इतने ज़्यादा डिवेलप नहीं हुए। अब हम क्या करते हैं कि इस नेमाटोड का क्रॉस सेक्शन काट कर देखते हैं और इसके अंदरूनी हिस्सों को भी थोड़ा सा डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है कि उसकी बॉडी के क्रॉस सेक्शन को काट कर ये आपको दिखाया है, क्योंकि इनकी बॉडी बिल्कुल गोल होती है वर्म की तरह। तो ये उसकी डॉर्सल साइड है, ये उसकी वेंट्रल साइड है। तो ये मैंने सबसे बाहर जो है इसकी आउटर लेयर जो है बनाई है, जो कि क्यूटिकल है। क्यूटिकल के अंदर फिर जो लेयर होगी वो एपिडर्मस होगी। यहाँ पर ये सारा देखें, ये क्यूटिकल है जो यहाँ पर आप डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अंदर वाली जो लेयर है, ये वाली जो आपको नज़र आ रही है, ये एपिडर्मस है जो कि इसकी स्किन होगी। उसके अंदर अगर आप देखें तो ये आपको डाइजेस्टिव सिस्टम रेड कलर का नज़र आ रहा है। ये इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम है जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। इसके इर्द गिर्द जो कैविटी है उसे सूडोसिलोम कहते हैं। इस तरह यहाँ सर आपको डार्सल नर्व जो है वो नज़र आ रही है, यहाँ पर आपको वेंट्रल नर्व नज़र आ रही है। अच्छा, अभी इसकी बॉडी में मसल पाए जाते हैं लाकोमोशन करने के लिए। मसल जो हैं ये चार बैंड्स की शक्ल में होते हैं। अब अगर आप गौर करें तो ये जो बॉडी की साइड है वो है डॉर्सल, ये कौन सी है वेंट्रल, ये वाली साइड है और ये वाली साइड है लैटरल। अब इन दोनों साइडों के दरमियान में ये जो साइड होगी एक कॉर्नर की तरफ, इसे हम कहेंगे डॉर्सो लैटरल। इस तरह ये वाली जो साइड है ये भी डॉर्सो लैटरल, ये वाली साइड जो है ये वेंट्रो लैटरल, और ये वाली साइड जो है ये भी वेंट्रो लैटरल। तो ये जो डॉर्सो लैटरल और वेंट्रो लैटरल साइड्स हैं, यहाँ पर आपको रेड कलर के मसल नज़र आ रहे हैं, 1, 2, 3 एंड 4, चार मसल नज़र आ रहे हैं। एक बैंड की शक्ल में होते हैं, पट्टी की शक्ल में होते हैं, जो कि पूरी लंबाई में रन करते हैं। तो इनकी बॉडी में सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है यहाँ पर मैंने आपको शो किया हुआ तो पाए जाते हैं, इनमें सर्कुलर मसल एबसेंट होते हैं। जैसे मैंने इसकी करेक्टरिस्टिक्स में भी आपको बताया था, सर्कुलर मसल एबसेंट होते हैं, ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल पाए जाते हैं। अब ये लॉन्गिट्यूडनल मसल के जरिए लॉकोमोशन करते हैं। लॉकोमोशन करने के लिए ये अंडूलेटिंग मूवमेंट करते हैं। अब अंडूलेटिंग मूवमेंट क्या है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये एनिमल जो है ये ऐसे, जब इसके मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसकी बॉडी ऐसे हो जाती है, फिर उसके बाद ये वेव आगे चली जाती है, फिर ये वेव आगे चली जाती है, फिर ये वेव आगे चली जाती है, और इस तरीके से ये जो एनिमल है ये आगे की तरफ मूव करता है। जब इसके मसल जो कि लॉन्गिट्यूडनल मसल हैं, डॉर्सोलैटरल, दो डॉर्सोलैटरल हैं और दो वेंट्रोलैटरल हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसकी बॉडी बेंड हो जाती है। अब ये जो बेंडिंग है, जब यहाँ से ख़त्म हो जाएगी ये आगे चली जाएगी, यहाँ से ख़त्म होकर और आगे चली जाएगी, और आगे चली जाएगी, और ये जो एनिमल है ये आगे की तरफ एक रेंगता है। इसे हम कहते हैं अंडूलेटिंग मूवमेंट ऑफ द मसल या अंडूलेटिंग मूवमेंट ऑफ द वर्म, जो कि इस फाइलम के एनिमल्स की खास तौर पर जो है निशानी है। बाकी अगर हम इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इनमें सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल अलग होते हैं। वो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम इसकी रिप्रोडक्शन जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी जो है मैंने बेसिकली आपको इसके जनरल करेक्टरिस्टिक्स,
एक्सटर्नल करेक्टर्स और कुछ इंटरनल करेक्टर्स के बारे में ब्रीफली जो है वो डिस्क्राइब किया है, और आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।